दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले आपको इस अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आपका नववर्ष मंगलमय हो। आप समाज हित, देश हित और स्वहित के लिए प्रयासरत हों। आठों ढंग से आप स्वस्थ हों, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक और तमाम पहलुओं से आप स्वस्थ हो। ऐसी ही मेरी मंगल कामना है। अभी कुछ देर पहले जब मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे मन में एक बातें आ रही थी जो मैं आप लोगों से आज के दिन शेयर करना उचित समझा। हम मानव कहाँ पहुंच चुके हैं? हम मानव संकुचित दायरे में क्यों जी रहे हैं? ये बातें मैं भी आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। देखिएगा कि समाज में एक जानवर को, जिसको लोग जानवर कह करके किसी व्यक्ति को भी नीचा दिखाते हैं, उसी जगह एक जानवर के साथ आदमी थाली में खाना, बिस्तर पे सोना, यहां तक कि अपने महंगी गाड़ियों में यात्रा करना और अपने बिस्तर पर सुलाना भी पसंद करते हैं। लेकिन उसी जगह देखिए हम कितने दायरे में हैं कि हम एक इंसान दूसरे इंसान को किसी जाति के बंधन में बांध करके वो मेरे दरवाजे तक आता है तो उसे हम भगा देते हैं। जानवर से भी बदतर उसे मानते हैं। हम इंसान कहाँ हैं? किसी ने कहा है कि जब किसी को अपना समाज, अपनी जाति, अपना परिवार बुरा लगने लगे, खराब लगने लगे तो शायद उसका अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। अब हम मानव कहाँ है सोचिए। पंछी है, पूरी धरती पे जहां मन होता है वहां चला जाता है, जहां चली जाती है, अपने समाज में भी उड़ते चला जाता है, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं। हवा है, पानी है, कोई सीमा नहीं, ना उसकी कोई जात है, ना उसकी कोई बात है, ना ही उसका कोई अपना है, ना कोई पराया है, उसका हर कोई अपना है। हम मानव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उत्प्रोत होकर बातें तो करते हैं, और खास के वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देने वाले समाज के वरिष्ठ साधुगण, व्यक्तिगण खास करके दूसरे इंसान से नफरत करने लगते हैं। हम अगर किसी दूसरे जाति के लोग आ जाए, भागो भागो भागो, अरे कौन आया, अरे क्यों दरवाजे आया, ऐसा सोचते हैं। एक समाज दूसरे इंसान से घृणा करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से घृणा करते हैं, एक समाज दूसरे से। सोचिए हमारा दायरा कितने सीमित है, भले ही हम अपने आप को व्यापक मानते हो। नए वर्ष में मैं उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं कि इस जाति से ऊपर उठिए, अपनी विषमताओं को, अपना जो संकुचित दायरे है उससे बाहर आइए। किसी धर्म के नाम पर नहीं, संप्रदाय के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं, ऊंच नीच के नाम पर नहीं, अपने आप को व्यापक बनाइए, इस दायरे को खत्म कीजिए, अपने सोच को, अपनी मानसिकता को संकुचित दायरे से बाहर कीजिए। कहने के लिए नहीं, करने के लिए। सोचिए ना, हम एक जानवर को हर जगह लगाते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, कुछ लोग जो सांप पालते हैं उसे भी, लेकिन इंसान को आप उतना भी नहीं देखते। क्या एक इंसान उस जानवर से भी गया गुजरा है, उससे भी बड़ा है?
मैं नए वर्ष के इस आगमन पे आप सबको बधाई देते हुए, चूंकि वक्त चला जा रहा है, हम मानव भी कुछ दिन में इस ग्रह से दूसरे जगह पलायन करेंगे, जैसा कि हमने पर्यावरण को बना रखा है। आज मानव अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, इस सब पर सोचिए। और हम नफरत, घृणा, इन सब चीजों से हट करके प्रेम में आए, और हिंसा छोड़े, चाहे वह मानसिक, वाचिक हो, कर्मणा हो, और वसुधैव कुटुंबकम के सपनों का साकार करे। क्योंकि मैं एक बात कह दूं, कोई धर्म अगर यह कहता है कि सिर्फ मैं ही और मैं, मुझमें और मुझमें ही मोक्ष हटाने की क्षमता, मोक्ष ले जाने, मोक्ष करने की क्षमता है, तो जान लीजिए वैसे स्कूल की तरह झूठ बोलता है जो स्कूल केवल यह दावा करता हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे विद्यालय में ही अच्छे नागरिक बनते हैं। इसलिए धर्म के बंधन से ऊपर आइए और सारे बंधन हटाइए, मानव समुदाय में एक होइए, प्रेम कीजिए और प्रेम को जिंदा रखिए। फिर से हैप्पी न्यू ईयर।